सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कल से मीडिया और सोशल मीडिया पर जरताज गुल की बहन शबनम गुल की नाकटा में तैनाती के हवाले से खूब शोर है। आज वाकई काबीना का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने जरताज गुल पर इस हवाले से इजहार नाराज़गी किया और उन्होंने ये कहा कि जरताज गुल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि वज़रा इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। वफाकी काबीना के इजलास में दीगर भी अहम फैसले हुए। हज कोटे के हवाले से भी 40% निजी कोऑपरेटिव को देने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा जो ईद के दिनों में भी लोड शेडिंग ना करने की वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत की गई। दीगर क्या क्या फैसले आज हुए हैं, पहले हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, जरताज गुल के मामले पर भी वज़ीर आज़म ने जा किया, दीगर कौन कौन से मामलात थे जिन पर मंजूरी दी गई या हिदायत दी गई, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बहुत शुक्रिया समिया। आज काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबसे पहले तो जरताज गुल जो हैं उनसे इजहार नाराज़गी किया और उन्हें कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी इंसाफ पे मबनी है, मेरिट पे मबनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को पसंद नहीं करती कि अकबर पर भी की जाए। आपने जो ख़त लिखा है वो काबिले मज़म्मत है, वो खामोशी से उन्होंने सुना, लेकिन इस हवाले से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज ये फैसला आएगा कि उनकी बहन शबनम गुल को वापस उनकी लेक्चरशिप पे वापस भेज दिया जाए। ये यहाँ तक तो बात हुई है, लेकिन इससे आगे जो उनका ट्रांसफ़र है, ना तो उनका ट्रांसफ़र रुका है, ना उन्हें ट्रांसफ़र बैक टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट किया गया है। यानी अभी मामला स्टिल स्टैंड है और जो उन्होंने सिफारिश की थी वो तो मान ली गई थी। तो एक तो ये मामला था, उसके साथ बजट स्ट्रेटजी के हवाले से बातचीत हुई है जिस पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बजट में कम जो आमदन तबका है उसके ऊपर टैक्सेशन का बोझ कम से कम डाला जाए और कोशिश की जाए कि आम आदमी को रिलीफ मिले। इसके साथ कुछ आइटम्स थे, 12 नुकाती एजेंडा आइटम्स थे, उस पर बातचीत हुई है। अहम एक इशू जो कि आजकल अखबारात की भी जीनत है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल किया गया है सिंध हाई कोर्ट के जज के आगा के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल किया गया है, उस हवाले से वज़ीर आज़म ने आज बातचीत हुई है काबीना में। 12 नकाती एजेंडा था, बिल्कुल गुलाम मुर्तज़ा आप हमारे साथ ही रहिए, फैसला भी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं, उनका तजिया इस तमाम इशू पर हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। बात ये की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एथिक्स के ख़िलाफ़ है नेपोटिज्म को फ़रोग देना। हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है कि किसी भी तरीके से सिफारिश पर कोई भी तकरारी नहीं होगी, लेकिन जब से ये मामला सामने आया तो वज़ीर आज़म ने तो फौरन ये कह दिया कि ये मामला मेरिट पर नहीं बल्कि नेपोटिज्म का मामला है। गो के नाकता की जानिब से एक वजाहत भी आई और ये कहा गया कि जो तकरीर हुई है शबनम गुल की वो मेरिट पर हुई है, लेकिन मामला तहाल अटका हुआ है। अभी आपने सुना हमारे नुमाइंदे ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से कोई अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं आया, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र लेटर भी इस हवाले से नहीं आया है। आपने जितनी बात कही और दो दिन से जो मीडिया भी बात चल रही है, तहरीक इंसाफ का दोहरा मियार नज़र आता है मुझे। अच्छा, आप अगर सरकारी तौर पर किसी को पोस्ट करना चाहें, वो किसी की बहन हो, भाई हो, तो आपके पास पुराने आपके एक पूरा एक आपका एक सिस्टम निकल आता है जिसके अंदर आप कहते हैं कि मुमकिन नहीं है, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता वगैरह वगैरह, जैसा कि हमने यहाँ देखा। दूसरी तरफ आप जमहूरी रिवायात के खिलाफ चले जाते हैं, स्पेशलाइजेशन कि इस दौर के अंदर आप गैर मुंतखब नुमाइंदों को कैबिनेट के अंदर रखते हैं, अहम तरीन अहदे देते हैं, उनके थ्रू हुकूमत चलाने की कोशिश करते हैं। गैर आइनी नहीं है ये, लेकिन आपके कॉल ऑफ फेल के अंदर ज़रूर इससे तजाद आता है। इमरान खान साहब ने जो 22 साल स्ट्रगल की और उसके बाद उन्होंने मुसलसल ये बात कही कि मैं टीम बनाने का माहिर हूँ, मेरी टीम ऐसी होती है,
तो उन्होंने जिन लोगों को टिकट्स दिए, जो उनके टिकट्स पर जीते, जिन लोगों ने वोट दिए और वो फिर पार्लियामेंट में आए, उन लोगों को उन्होंने साइड पर रख दिया है और फिर ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो ये फिर तजाद नज़र आता है आपको हल्का सा। ये अच्छा, ये शबनम गुल वाला मामला है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में देखें, हम मुस्लिम लीग नून के दौर में देखें, ये एक रूटीन की चीज़ होती है, रूटीन का मामला है। और अपने लोगों को आप अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज के अंदर ले आते हैं, इस बात के ऊपर भी ले आते हैं, मेरिट की शीट भी बनवा लेते हैं, इस बात पर भी ले आते हैं कि मेरी टीम बड़ी मजबूत होगी और मुझे डिलीवर करने में आसानी होगी, और ये कोई बुरा नहीं समझा जाता था। यहाँ सोशल मीडिया ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोल प्ले किया है। अभी तो असल में देखना है कि ये जो शबनम गुल वाला मामला है कि वो वाकई इतनी कॉम्पिटेंट हैं, क्योंकि उनकी वजारत जो उनके ट्रांसफ़र हुआ है, लाई गई हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से यहाँ पर, उनके ऊपर एतराज़ात ये नहीं हुए, वो तो सोशल मीडिया की एक हाइप के ऊपर शोर मच गया और शोर के ऊपर। लेकिन कतर कलामी की माजरत नहीं, मुलक साहब का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वजीर आजम ने इसका नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल नेपोटिज्म को हम फरोग नहीं देंगे। ये ट्वीट जो हम दिखा रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी रिश्तेदार को किसी भी पोस्ट पर सिफारिश करके तैनात करने का जो फैसला है उसको किसी तरीके से भी जो पाकिस्तान तरीके से आपकी गवर्नमेंट है वो प्रमोट नहीं करेगी, नहीं करेगी। अगर बहन होगी तो पाकिस्तान है ना, बहन होगी तो नहीं करेगी, भाई होगी तो नहीं करेगी, करीबी दोस्त होंगे तो करेंगे। हम अपने दोस्तों को वजीर बना देंगे, उनको एमएनएस बना देंगे, उनको गवर्नर बना देंगे, उनको बोलना नहीं आएगा, उन्हें चलना नहीं आएगा, उन्हें लिखना नहीं आएगा, और अगर उन्हें ट्वीट करना नहीं आएगा तो वो भी आपकी पार्टी में बैठ के हिदायत दे रहा होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये सिलसिला है, अगर यही बात है, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, गवर्नर बने हुए, लिखना बोलना पढ़ना नहीं आता, मिनिस्टर्स बने हुए, चलना फिरना नहीं आता, तो मतलब ये कि अगर दोस्त यार हैं और चलते रहें और पुराना साथ है तो वजीर बना देंगे, गवर्नर बना देंगे। और अगर एक पढ़ी लिखी टीचर है और वो कहीं पर परफॉर्म करना चाहती है तो वहाँ पर आप एक ट्वीट के जरिए ये सब कुछ ले आते। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस रखना चाहिए। डिलीवरी लोग मांग रहे हैं उनको रिलीफ देने के लिए, डिलीवरी इसके ऊपर शोर के ऊपर नहीं, पैनिक नहीं मचाना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। मुस्लिम लीग नून ने शोर मचाना शुरू कर दिया तो आपने एक्शन ले लिया, मेरा ख्याल ये कि मुस्लिम लीग नून ने इसके ऊपर एक्शन, बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई और उस प्रेशर के अंदर आकर पीटीआई ट्वीट करना पड़ा, ये इस तरह का मंजर नाम है। असल में लोग सोच रहे हैं कि आप डिलीवर करें, उनको महंगाई से बचाएं, उनको गवर्नेंस अच्छी दें, करप्शन दूर करें, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आपने वादे किए हुए थे, इमरान खान साहब की बड़ी अच्छी तकारीर थी, उस साइड के ऊपर लेकर आए, पंजाब के लोगों को रिलीफ दें, पूरे पाकिस्तान में लोगों को रिलीफ दें। सिचुएशन डिफरेंट है, आप क्या करते हैं एनवायरमेंट को हटा के दूसरी साइड पर ले जाते हैं, कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया कि किस वजीर ने जो अपनी बहन के लिए नोटिफिकेशन निकलवाने की कोशिश की, तो आपने सारी चीज, इवन ये कि कैबिनेट में ये चीज डिस्कस होने वाली थी, कैबिनेट के लेवल की ये चीज थी, मेरा नहीं ख्याल कि ये उस लेवल की चीज नहीं थी, इंपॉर्टेंट नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, डायरेक्टर लेवल की चीज को इतना हम प्राइम मिनिस्टर डिस्कस कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये खुद हुकूमत ने इसको हाइप दी है? हुकूमत ने हाइप नहीं दी है, हुकूमत से गलती हुई है, लेटर आउट हो गया, लेकिन हुकूमत सोशल मीडिया पे आ गया। और नईम उलक साहब तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ों के ऊपर नोटिस ले लेते हैं, उनके नोटिस के बाद वज़ीर आज़म ने नोटिस लेना ही था। ठीक है, पॉइंट है, लेकिन उज़्मा का अरदार है हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उज़्मा साहिबा, अब क्या सिर्फ यही होगा कि नोटिस लिया जाएगा, इजहार बरहमी किया जाएगा, या फिर उनकी तैनाती कैसे हुई, सिफारिश पर हुई या फिर ये शफाफियत की बुनियाद पर हुई, मेरिट की बुनियाद पर हुई, कोई तहकीकात होंगी या नहीं? जी सुनैया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम के लिए। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती है कि हमारी कौम को कुछ करने का क्या तरीका है। अब एक चीज जब कायदे कानून के खिलाफ हुई और हमारे प्राइम मिनिस्टर की डिसीजन और अपीलों के खिलाफ हुई और उसके पूरे सोशल मीडिया भरा हुआ था, पूरा आपने हर एंकर शो उससे कर रहा था, उसमें जब नोटिस लिया पार्टी ने, जब पार्टी को, जब प्राइम मिनिस्टर को पता चला तो उन्होंने, यानी आप खुद इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि जब सोशल मीडिया पर इतनी हाइप क्रिएट हुई तो फिर आप लोगों ने नोटिस ले लिया इस बात का? देखिए वो इसलिए क्योंकि ये बात प्राइम मिनिस्टर के तो इलम में नहीं थी ना, ये हमारे उनको उनके उनके किसी भी जो नुमाइंदे को भी नहीं पता था, जब वो बात सामने आई खुल के। तो प्राइम मिनिस्टर के इल्म में ये बात कैसे नहीं थी? प्राइम मिनिस्टर के इल्म में तो ये बात भी नहीं होती कि डॉलर रेट बढ़ रहा होता, तुमको टीवी देख के मालूम होता है कि डॉलर रेट बढ़ रहा है। ये देखें, ये तो आप अपने सिट्टेबाजों से पूछे ना, जो सिट्टेबाज होते हैं, जो डॉलर अपना जो है वो हजारों डॉलर जो खरीद के, और जो बुक मेकर्स और जो बीच में आपके पार्टी से लोग शामिल हैं और जो पुराने जो स्टेटस को से लोग मिले हुए, उनसे चले। उज़्मा साहिबा, अब तो पता चल गई ना वजीर आजम को, जो मेरा सवाल है वो ये कि तहकीकात होंगी या नहीं होंगी ना। जब एक अच्छा स्टेप लिया गया, उसका नोटिस लिया गया और कहा जाए ये नेपोटिज्म या इस तरह की सियासी मुदाखलत हरगिज़ कबूल नहीं जाएगी, मेरे
उज़्मा साहिबा, उससे आगे का सवाल मैं कर रही हूँ, नोटिस लेने के बाद क्या आप तहकीकात होंगी इस तैनाती की या नहीं? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी, और शफाफियत के साथ जो भी मामला आएगा ऊपर मेरिट के मुताबिक होगा। अच्छा। अगर तो उनकी बहन मेरिट को नहीं फिट करती थी क्राइटेरिया को, तो ये तैनाती नहीं होगी और ना ही किसी और मिनिस्टर को ये हक पहुंचता है कि वो एक अपने रिश्तेदारों को प्रमोट करे और मेरिट के धक्के, ये नहीं होगा। इसलिए तो इसके देखिए एक प्रेसिडेंट आपने चेक करना होता है और प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट चेक किया, आगे किसी मिनिस्टर की मजाल नहीं होगी कि वो अपने महकमे से खत लिखवाए किसी की सिफारिश। चलिए उसमें सबसे ज्यादा मेरे साथ मौजूद रहेगा, मैं आपकी बात की थोड़ी कंफर्मेशन कर लेती हूँ हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। गुलाम मुर्तजा मुझे बताएगा, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को 22 मई को खत लिखा गया था, क्या अब तक वहाँ से लेटर जारी हो गया है कि उनको अपॉइंट कर लिया गया है तैनाती का या फिर नहीं? वाले से है, वो तो उनकी यहाँ हो चुकी है। अच्छा। और अभी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ जिसमें ये कहा जाए कि जी उनकी वापस ट्रांसफ़र जो है वो लाहौर कर दी जाए, ऐसा नहीं है। और सिर्फ ये नईमुल्लक साहब का नोटिस है, कल की ट्वीट है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज अबिना में इजहार भरमी किया है, ये दो चीज़ें अभी तक की जो सरफेस पे हैं वो सामने हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है कि उस सिफारशी ख़त के ऊपर इन्हें तैनात किया गया है। तो उसके ऊपर ये था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऐसे इकदाम करने या इजहार नाराज़गी करने की बजाय पहले ये किया जाता कि उनको वापस रिटर्न बैक उन्हें भेजा जाता उनके अदारे में, उसके बाद ये अपनी पार्टी के लोगों से तहकीकात जो है वो की जाती, लेकिन अभी तक वो अपनी जगह पे मौजूद हैं और उनका तबादला जो है वो यहाँ पे हो चुका है। तो मेरिट की जो बात है, एक एजुकेशनिस्ट है, एजुकेशन में काम करता है, तो हम जो एज एन जर्नलिस्ट हम ये समझते हैं कि तालीम के शोबे का बंदे को तालीम में ही किसी यूनिवर्सिटी में लगा देना चाहिए, ना कि जो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है उसमें आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान की तमाम कानून नाफज करने वाले अदारों के नुमाइंदे मौजूद है और बहुत ही हसास अदारा है और वहाँ पे बहुत पावरफुल सीट्स भी होती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वहाँ जो काम है वो इस तरह का नहीं है, एजुकेशन या रिसर्च वहाँ नहीं है, काम सारा वहाँ पे जो मौजूद है। चले काम तो वो बाद में करेंगी ना, पहले जरा ये मामला तो हल हो जाए। उज़्मा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं आप? जी जी बिल्कुल। उज़्मा साहिबा अभी आपने बात सुनी, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक कोई ट्रांसफर लेटर नहीं जारी हुआ, अगर वो नेटा के डायरेक्टर की जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं तो फिर सवालिया निशान अपनी जगह मौजूद है कि अभी कल नईमुल्लक साहब एक निजी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि अभी हमें ये भी मालूम करना पड़ेगा कि उन्होंने अपना PhD भी कम्प्लीट किया है या नहीं, इस बारे में पार्टी जो है वो गुमगु का शिकार है। तो अगर ये मामला है तो क्या वहाँ पर उनकी तैनाती होनी चाहिए? क्या इतने अहम इदारे में वो डायरेक्टर की ऐसे अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें? देखिए ये प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टिव है और ये कोई हंसी मजाक का और तमाशा नहीं है, इसके ऊपर सीरियस नोटिस दिया जाएगा। एक तो जरदार जिन ने खुद दोबारा एक लेटर ने दिलाया है अपनी मिनिस्ट्री से, नेक्टा को उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा है की मैंने जो आपको लेटर भेजा था उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया जाए। जी वो लेटर हम दिखा रहे हैं, वो आपको सोशल मीडिया पे भी आपके सामने वो आ गया है और उन्होंने अपनी गलती का भी इकरार कर लिया है की मुझे नहीं लिखना चाहिए था। अब नेक्टा ने एक्सप्लेनेशन देनी है की किन बेसिस पे उन्होंने उनको अपॉइंट किया है या नहीं किया, वो सारे जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी अमल में आएगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि ये सही थी, गलत थी, मेरिट पे थी कि नहीं मेरिट पे थी, कि जो भी था वो प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में आ गई है। अब ये बात जो है अहम ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उज़्मा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। फैसल साहब, ये कोई इतना छोटा मामला नहीं है, बड़ा सास मामला है और बड़ा संजीदा मामला है, उज़्मा साहिबा कह रही हैं, इसको ज़रा संजीदगी से लेंगे वज़ीर आज़म। देखिए मैं छोटा सा एक किस्सा आपको बता देता हूँ। जी जी। डेपुटेशन के ऊपर ऑफिसर्स एक महकमे से दूसरे महकमे में बड़ी तादाद के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में आते रहे, FIA के अंदर आते रहे, NAB में आते रहे, काउंटर टेररिज्म के इदारों के अंदर आते रहे, टीचर्स क्या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से उठ के लोग आते रहे, नैब के अंदर तो पता नहीं किस किस डिपार्टमेंट के वाबदा से लोग आके जो है वो नैब को चलाते रहे। होता यह है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर जब लोग आते हैं और जिनसे वोट लेते हैं तो वो उनके पास मुख्तलिफ अदवार के अंदर जाकर और सिफारिश करवाते रहेंगे, हमारे भाई को, हमारे अब्बा को, हमारे चचा को, हमें आप पोस्ट पर लगवा दें इस वाले, और ये पाकिस्तान में होता रहा। उसके बाद हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसके बाद डेपुटेशन के ऊपर कोई भी
अफसर नहीं रह सकता, कोई भी मुलाजिम नहीं रह सकता, उसको उनके महकमों में भेज दिया गया। ये पीटीआई का जो दौर है, इस दौर के अंदर डेपुटेशन के ऊपर अलाव है ही नहीं। तो सबसे पहले तो ये कि ये जो भी चीज़ हुई है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। ये वज़ीर आज़म को नोटिस तो अपनी जगह पर है, अच्छा किया उन्होंने कैबिनेट में भी डिस्कस किया। वैसे मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये इतना बड़ा मामला नहीं है, एक चीज़ के बारे में अगर इल्म नहीं है और कानून को आप फॉलो नहीं करेंगे, सिस्टम को आप फॉलो नहीं करेंगे, तो छोटी सी चीज़ भी फिर एक हवा बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर यही मामला हुआ है। अब उनको वापस एजुकेशन के महकमे में भेज देना चाहिए था, जैसा कि मुर्तजा कह रहे हैं, इसके अंदर दूसरी कोई चीज़ है नहीं, और फिर नॉर्मली उस इदारे को जिस तरह से चलाना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि नई हुकूमत है, नए लोग हैं, पहली बार हुकूमत में आए, सिस्टम का नहीं पता, ब्यूरोक्रेसी सही तरह ताबून नहीं कर रही है, पीटीआई के अंदर बहुत सारी गुरुबंदी है, प्राइम मिनिस्टर के करीब कभी एक टोला होता है, कभी दूसरा टोला होता है, कभी तीसरा टोला होता है, तो कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि लीड करने वाले लोगों को पता हो कि करना क्या है, करना क्या और किस तरह से करना और फैसले कहां से आ रहे हैं, कौन फैसले दे रहा है, और फिर फैसलों पर अमल दरामद। ये इसका फुकदान है, इसका फुकदान है, इसलिए जो है वो चीजें उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, बिल्कुल सही। आपका बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा, हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल दे रहे थे। अब हमें कुछ केसेस के हवाले नहीं है, तो आज कुछ आम केसेस हैं जिनमें मुराद अली शाह और कायम अली शाह के खिलाफ जो इंक्वायरी है वो इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गई है। नैबरावलपिंडी में जाली अकाउंट्स केस का मामला, दादू और ठट्टा में शुगर मिल्स में फरोख्त का मामला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और कायम अली शाह के खिलाफ जो इंक्वायरी थी, अब उसको इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की मंजूरी चेयरमैन नैब ने दे दी है। दूसरा जो हमजा शहबाज वाला केस है, उनकी भी जमानत में 11 जून तक के लिए तौसी कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मजाहिर अकबर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह समाअत की और उन्होंने ये कहा कि अब ये फैसला आए चाहे हमजा शहबाज के खिलाफ या फिर उनके हक में, फैसला तो हमें करना ही होगा। और नैब ने बयान दिया कि हमजा शहबाज को साफ पानी केस में गिरफ्तार नहीं करना है। दूसरी जानब चेयरमैन नैब का भी बयान सामने आया, उनकी जानब से कहा गया कि एहतसाब का जो अमल है वो खौफ व खतर जारी रहेगा, हमारी तवज्जो हमेशा मेगा करप्शन पर रही है। छोटे छोटे करप्शन के जो केसेस हैं उन पर तो हाथ डलते ही रहते हैं, लेकिन इस बार मेगा करप्शन केसेस हमारा टारगेट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नैब एक गैर जानबदार इदारा है, एहतसाब के अमल को बिला खौफ व तफरीक हम जारी रखेंगे। हमारी तवज्जो जो है वो मेगा करप्शन केसेस पर है और इससे पहले कभी भी बड़े नामों पर पाकिस्तान में हाथ डाला नहीं गया जैसा कि अब हो रहा है। फैसल साहब, बड़ी अच्छी बात है कि मेगा करप्शन केसेस खुल गए, उन लोगों के नाम सामने आ गए जिन्होंने 70 साल तक मुल्क को लूट के खाया, पैसा बाहर ले गए, अपनी कंपनीज़ बना ली, अपनी कंपनीज से अपनी फैमिली को और अपने आप को फ़ायदा देते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाकई इंसाफ मिलेगा, वो पैसा जो कि जिसकी बात करती है हुकूमत वापस भी आएगा, और ये एहतसाब ही होगा, इंतकाम नहीं होगा। देखिए, मैं जब ये जावेद इकबाल साहब का साबिक जज और चेयरमैन नैब, उनका ये बयान आया कि हमारी अब तरजीह जो है वो बड़े मेगा स्कैंडल्स के ऊपर है, ये कैसे कोई भी कानूनी इदारा तय कर सकता है कि ये जुर्म छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये बहुत बड़ा है। इदारों के लिए तो सारे जराइम, सारे फैसले, सारे केसेस बराबर होने चाहिए। खैर बहरहाल, यहाँ पे कायम अली शाह साहब हों, यहाँ पे मुराद अली शाह साहब हों, यहाँ पे आसिफ अली जदारी साहब हों, हमजा शहबाज हों, या और पॉलिटिकल लोग जिनके बारे में इशारा किया गया है, 11 जून तक उनकी ज़मानत में तोसी है, 10 जून तक आसिफ जदारी साहब की ज़मानत, बल्कि फ़ौरन निकला हुआ उनका, उसके ऊपर फैसला होना है पीर के दिन, ईद के फ़ौरन बाद। असल चीज़ ये है कि ये कितना लटका लटका के डिले कर करके चीज़ें चलती हैं, इसको स्पीडी क्यों नहीं किया जा सकता? पहले भी 11 साल तक आसिफ अली जद्दारी साहब को जेल में रखा गया, हॉस्पिटल सब जेल बना के रखा गया, फैसले नहीं होते। क्या जावेद इकबाल साहब इस चीज़ के इसको कर सकते हैं कि उनकी प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो तेज़ी से इम्प्लीमेंट करे, केस तेज़ी से चलाए, चीज़ें तेज़ी से करे? असल चीज़ आके रुकती है प्रोसिक्यूशन के अंदर, साबित करने वाले मामले में। अब क्या किया है, कायम अली शाह साहब साबिक सीएम है, मुराद अली शाह साहब साबिक सीएम है, पहले इंक्वायरी थी, अब इन्वेस्टिगेशन तहकीकात में जा रहे हैं, इसका मतलब सीएम है, सीएम है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है तो सूरत के अंदर क्या हो सकता है? मुराद अली शाह साहब तो वैसे भी आजकल बहुत घबराए हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत डरे हुए भी हैं, कायम अली शाह साहब की भी यही सूरत हाल है। सवाल उठता है ना, वैसे साहब गिरफ्तारी पहले होती है, रेफरेंस बाद में दायर होता है। असल में जब उनको बुलाया जाता है तो वो ऐसे मुलजमान, हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी को, किसी पार्टी के लीडर को डिस्कस नहीं करते, लेकिन नैब जब किसी को बुलाता है तो वो आते ही नहीं है। तो जब ताउन का अमल नहीं रहता तो फिर गिरफ्तारी हो जाती है कि अब इनसे डेटा हासिल करना है, इनसे मामला हासिल करना है, फिर वो
जेल में रहें या जेल के नाम पे हॉस्पिटल के अंदर रहें, सिलसिला रहता है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये जो केसेस हैं सिम के, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, इसके ऊपर शवाहिद ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने बहुत ज़्यादा दिए हैं, नैब के पास बहुत सारे सबूत हैं। अब सवाल आके खाली खड़ा ये होता है कि नैब की प्रोसिक्यूशन टीम, जिसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्किल्ड और बहुत ज़्यादा तजर्बेकार जो हैं वो इन किए गए हैं, टीम के अंदर बढ़ाए गए हैं, क्या वाकई वो केस इस तौर पर लड़ेगी और केस इस तरह से तेजी से लड़े जाएंगे, चले जाएंगे कि 3-4-6 महीने साल के अंदर फैसला हो जाए, ना कि ये कि सूरत हाल में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख डिले होती चली और डिले होती चले जाए, और उसके बाद फिर बाद में जिसके ऊपर इल्जाम भी हो वो भी बाद में जो शहीद बन के साबित हो गए, देखो यार मेरे खिलाफ ये हो गया, जेल में रखा, यूं कर दिया, वैसे साबित होना चाहिए। तो जावेद इकबाल से आपको जो मेन काम करने की जरूरत है, उन्होंने कह दिया कि हमारी तरजीह है, तो उनकी तरजीह ये भी होनी चाहिए प्रोसिक्यूशन साइड जो है उनकी बहुत मजबूत, वो भी स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग हो, वो बिके नहीं, वो जिस तरह के वाकयात होते रहे, इनके अपनी चेयरमैनशिप के अंदर होते रहे कि कागजात निकल गए और मामला लाहौर के अंदर ऐसे हो गए वैसे हो गए, तो ये तमाम चीजों को भी उन्हें बड़ा स्ट्रॉन्ग देना चाहिए। तो कौम की नजरें जो है जावेद इकबाल साहब के ऊपर अब ज्यादा हैं, जो चीजें हालिया टाइम में हुई हैं, अब उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अब सब देखेंगे। पहले शायद खवातीन उस तरह से नहीं देखा करती थी या सीनियर सिटीजन नहीं देखा करते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जावेद इकबाल साहब की हर चीज को बड़े एहतियात से सब लोग बड़ी खूबी से देख रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है अब ज़्यादा देखी जाएगी। बिल्कुल सही, और एक तरफ जहाँ केसेस चल रहे हैं, जानब अब APC ईद के बाद बुला ली गई है, जो सियासी दर्जा हरारत है वो भी बढ़ रहा है और मुल्क की जो मौसमी दर्जा हरारत है वो भी बढ़ने के इम्कान जाहिर कर दिए गए हैं। ईद पर ही मौसम बहुत गर्म रहेगा और ईद के बाद सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ेगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द स्टार शो। मिस्टर, हमने बात करी कि गर्मी ज़ोरों पर होगी, ईद में भी दर्जा हरारत कम होने का नाम नहीं लेगा, और जो गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत है इसके बायस महकमा सेहत ने हीट वेव अलर्ट भी जारी कर दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अभी भी शदीद गर्मी पड़ रही है और ईद पर भी शदीद गर्म मौसम होगा, इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DG MAT अब्दुल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब। कितनी गर्मी पड़ने का इम्कान है मुल्क भर में? देखिए, हमने कोई हीटर जारी नहीं किया है कराची। अच्छा। में खासतौर पे जो हम पहले अच्छा। जारी करते रहे, हाँ गर्मी जरूर है और हमने ये कहा है कि इस पर गर्मी रहेगी। टेम्परेचर आज कराची का हमने 35.8 रिकॉर्ड किया है, तकरीबन 36 कह लीजिए, कल भी इसको हम 36 के आसपास देख रहे हैं, मगर ईद जो है वो पड़ेगी 5 तारीख को, बुध को, और बुध और जुमला जो है इसको हम 38 से 40 के दरमियान देख रहे हैं। फिर जो इसमें लीजिए कि जुम्मे से जो है फिर थोड़ी सी इसमें बाकी कमी होना शुरू हो जाएगी, वापस 36-37 पे आ जाएंगे, दो दिन जरा ज्यादा तकलीफ देह होंगे ईद वाला दिन और इसके बाद दिन, लेकिन पंजाब के कुछ इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ने का इम्कान है। जी, पंजाब के प्लेन के इलाके जो है खासतौर पर, खाली पंजाब ही नहीं बल्कि सिंध का जो इलाका है, प्लेन एरिया का, सबका लाड़ का है, जैकबाबाद वगैरह अपर सिंध का इलाका, यहाँ पर भी शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है और पड़ रही है। और मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि ये मामूल के मुताबिक हर साल ऐसी गर्मी पड़ा करती है, हम परेशान ना हो, क्योंकि जून है, जून हमारे यहाँ गर्म होता है, 15-20 दिन तक गर्मी रहती है अच्छी खासी, फिर इसके बाद बादलों की आमदरफ शुरू हो जाएगी और फिर ये है कि सागरा को बादलों से साया भी हो जाएगा, कहीं कहीं बूंदा बांदी फुहार के इम्कान भी है कराची में। तो आप कह रहे हैं मानसून आने वाला है, ज्यादा दूरी पर नहीं है? जी हाँ, 1 जुलाई से मानसून स्टार्ट हो जाएगा, फिर बारिश शुरू हो जाएंगी। यानी कि ये तो बात ठीक है कि जो ईद के कुछ दिन है उसमें तो गर्मी बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल। तो क्या शहरियों को हिदायत क्या जारी की गई आपके डिपार्टमेंट की जानिब से? मैं एहतियात ये जी हम लोग कहते रहते हैं, जो हम रमजान में भी कहते हैं, अगर रमजान खत्म हो जाए ईद के शुरू होते ही तो पानी भी पी सकेंगे, तो ये ख्याल कीजिए कि जो पीक आवर है धूप के 11 बजे से लेके 4 बजे तक बिलावजी धूप में ना निकले, और कोशिश करें कि आपने ईद के ऊपर किसी से मिलने जाना हो तो उसको अपने प्रोग्राम को असर मगरब के बाद रखिए, मगर ये बात रखें तो बहुत लंच की कोई दावत कबूल ना करें। बिल्कुल, नमकियात साथ रखे तो मुबारक वगैरह घोल के पी लें और जूस लेते रहें, नहाते हैं, पानी पीते रहें और कोशिश करें कि कराची में खास तौर पर ये मुसीबत है कि हमारे हवा में नमी का तनासुब ज्यादा है तो पसीना बहुत ज्यादा बह रहा है, पसीना बहने से नमकियात ज्यादा जायल हो जाते हैं, उसका ख्याल करें कि आप में तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी तो नहीं हो रही, इस बात का ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब, चीफ मेट्रोल गुफ्तगू कर रहे थे गर्मी के हवाले से।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।